हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने आपको आज का जो एग्जाम 11 मार्च 2024 का जो मैथ्स का एग्जाम हुआ है इसके बारे में आपको सेल्फ टेस्ट करना मैं बताता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले हैं वो आपने ठीक किए हैं या नहीं किए। तो उसके लिए चलो हम अभी चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। वैसे मैं आपको बता दूं ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस वालों के लिए है। बेसिक की वीडियो भी आपके आपके पास आएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस। तो जब भी आप हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की, तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले एक ना ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको लेते हैं। तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसे हमने कंपेयर करना होता है ax² bx + c से। तो हमारा यहाँ पर a आया 2, b है -k√2 और c है 1। मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो ए है, जो नॉर्मल एक्स का कॉफिशेंट है वो -k√2 है, और जो आपका फ्री ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो सी है। तो ये आया हमारा। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ जीरोज इज √2। अब सम ऑफ जीरोज जो है उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो, आपको पहले भी करवाया गया है, सम ऑफ जीरोज वो होता है -b/a। अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको दी है √2, ओके, और -b/a, यहां से -b है हमारे पास, ये b की वैल्यू है, इसका नेगेटिव नंबर लेंगे तो -b/a का मतलब हो गया --k√2/a का मतलब है 2। ओके भाई, क्लियर है। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 2। अब ये 2 यहां आकर मल्टीप्लाई हुआ तो k की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है 2। तो हम इसको 2 पे टिक कर देते हैं कि जी हमारा आंसर है 2। ओके, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है हमने, उसको पहले हमने ये देखा कि ये किस चैप्टर से रिलेट करता है। तो हमने पाया कि ये हमारा है प्रोबेबिलिटी से। तो एक रूल आपको बताया गया होगा कि होना या ना होना, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं होना या ना होना, मींस जहां पर दो पॉसिबिलिटी होती है यस और नो, तो वहां पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे मैं बात करूं विनिंग की, तो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लॉस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करके आती है। लॉस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करके आ जाती है। अब लॉस की प्रोबेबिलिटी दी है या हमें विन की प्रोबेबिलिटी दी है, तो उन्होंने यहां पर हम देखते हैं कि 0.79 जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी है। तो बताइए गेम को हारने की, लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल सा रूल है, 1 में से माइनस कर दिया जाएगा विनिंग को, तो लॉस वाले की जो प्रोबेबिलिटी है 1 में से माइनस कर दिया जाएगा विनिंग वाली प्रोबेबिलिटी को। तो 1 में से माइनस कर दो 0.79, इट्स मीन 0.21 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आया 0.21। ठीक है, बहुत ही इजी था। अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उसमें क्या करना होगा वो भी आपको हम यहां पर बड़े अच्छे से बता देते हैं। पहले देखो, ध्यान देना, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, ओके, प्लस में bx + c, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, आपको पता होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इन्होंने हमें बोला कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब होता है, क्योंकि देखो यहां पर पावर 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 जीरोस होंगे या 2 रूट्स होंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, हिंदी में बोलते हैं शून्य। अब इसके 2 जीरोस हैं यानी कि 2 शून्य हैं, और दोनों क्या है, रियल है। रियल का मतलब होता है उनकी वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी, और इक्वल भी है। अब रियल एंड इक्वल का मीनिंग होता है कि b² - 4ac = 0, इसे बोलते हैं कि वो रियल रूट्स हैं। इसका मतलब हुआ कि b² = 4ac। अब इनमें से मैं चूज करता हूं, ये वाला आंसर आ रहा है, क्योंकि यहां से अगर मैं b² / 4 लेके जाता हूं तो यहां बचेगा ac, तो ये हमारा मैच कर रहा है इस वाले से, तो इसका आंसर हो गया c। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो है एक ap में फर्स्ट टर्म a है, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म विच इज 7 एंड ए एन मतलब लास्ट टर्म विच इज 84। अब मुझे सम ऑफ एन टर्म निकालना है, थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है इसका, बट फिर भी हम आपको ये बताए थे इसका आंसर है 20।
ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, तब भी इसका आंसर आ जाएगा, बट मैं फिर भी आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा है। अब ए एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 84, ए हमें पता है 7, अब एन माइनस वन इंटू डी तो नहीं पता, तो उसका हम इस तरीके से यहां पर वैल्यू। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इसका ये वाला जो मेथड होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमारे पास एक और सॉल्यूशन है बिल्कुल छोटा सा। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस ए एन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एस एन का हमारी हमारी वैल्यू है 2093 बाय टू, एन बाय टू, ए की वैल्यू हमें दी है 7 और ए एन की वैल्यू यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दी है 84। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनका सम करा 91 आया, तो 2093 अपॉन में 91 विच इज इक्वल टू 7। अब आप इसको जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 23। तो ये आपका 23 आंसर हुआ। अब चलते हैं अपने लास्ट इस पेज के लास्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बारे में भी आपको कुछ अच्छे से बता दिया जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इतना ही फास्ट करना है जितना मैं आपको करके दिखा रहा था। 2 पॉजिटिव नंबर है, एक पी है विच इज 18a² एंड बी की पावर 4 एंड क्यू 20a³ और b². अब इनमें इन्होंने हमसे पूछा एलसीएम निकालना है इनका। अब एलसीएम मैं आपको बता दूं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 18 और 20 का जो एलसीएम होगा, आप 18 और 20 का एलसीएम फाइंड करो तो आपको पता लगेगा कि ये 180 होता है, ठीक है, क्योंकि 18 और 20 जो आपके हैं उनका जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो वो आएगा 180। अब आ जाते हैं हम ए और बी की वैल्यूज पर। तो एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होती है दोनों में, जैसे ए स्क्वायर है ए क्यूब है तो मैक्सिमम पावर ए क्यूब है, और बी स्क्वायर है बी फोर है तो मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए विच इज इक्वल टू आपका आ गया इसके। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी बहुत जल्दी से आपको बता दूंगा और बिल्कुल आपका आंसर जो है वो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एडी इज अ मीडियन। तो आप हम क्या करते हैं, ये चैप्टर हमने किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम ए बी सी ट्राइंगल के जो तीन वैल्यूज हैं, जो तीन वर्टिसेस हैं वो हमने रखे। ए हमारे पास है 5 - 6, बी है 6 - 4 एंड सी है सॉरी 0 - 0। अब आपने यहां पर फाइंड करना है एडी, एडी विच इज मीडियन। तो मीडियन तो ये होता है ना, यहां से सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे काटता है। अब ये मीडियन है हमारा डी, और डी का मतलब है डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब डी बी सी का मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? मिड पॉइंट फॉर्मूला पता आपका, x1 + x2 / 2 यानी 3 आ गया, y1 + y2 / 2 यानी के 2 आ गया। तो ये 3 और 2 हो गए आपके नंबर, सॉरी थोड़ा सा ये, हाँ एक मिनट, 3 और 2 हो जाएंगे, क्या हो रहा है, 3 और 2 आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, -6 है, मुझे निकालनी है इसकी लेंथ। अब लेंथ का फॉर्मूला यानी मीडियन, एडी इज अ मीडियन एंड द लेंथ ऑफ एडी। तो लेंथ का फॉर्मूला जो एडी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, आपको पता ही है। अब ये मेरे लिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 + y2 - y1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर होगा। तो अब हम यहां देखते हैं 3 में से 5 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो आंसर आएगा अंडर रूट 68। ऐसे हम इसको 68 को हम 2√17 भी लिख सकते थे, बट क्योंकि हमारे ऑप्शन में 68 है तो अपने ऑप्शन को टिक करेंगे, तो आंसर आ गया आपका 68 अंडर रूट। ओके चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू m, इट इज इक्वल्स टू m, या यहां लिख लेते हैं, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा + tan थीटा।
तो sec थीटा प्लस tan जो है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम देख सकते हैं, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू m देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल्स टू 1। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहां रूल लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम इनको प्लस करेंगे और एक बार हम इनको माइनस करके लिख देंगे और ये हमारा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 के। सेम ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी में हमने जो चेंज कर दिया। अब माइनस वाले की वैल्यू मुझे पता है एम है और प्लस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा और इसकी जगह वैल्यू हमारी आ जाएगी m, तो विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन m आ गई। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो 1 अपॉन m है, यानी ये सी आंसर हमारा है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द डाटा, पहले मैं वो डाटा यानी उसके जो टर्म्स हैं वो लिख लेता हूँ। 2025, तो ये मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से इन्होंने कहा ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड, इवन नंबर हमने इसमें से रिमूव कर दिए। लो जी, एक रिमूव हो गया और ये दो रिमूव हो गए, कितने नंबर बचे हैं अब जो हमारे पास 1 2 3 4। तो हाँ जी देखिए, अब इसमें हमारे पास दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास 1 4 7 9 16 20 में 25 हमारे पास 7 नंबर्स हैं जिसमें से इन्होंने बोला इवन नंबर्स को रिमूव कर देना है। ये लीजिए जी रिमूव, हमने इवन नंबर्स। अब हमारे पास नंबर्स जो अवेलेबल है वो है 5, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउट मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल जो हमारे आउटकम्स के होते हैं वो कितने हैं 5। अब फेवरेबल में इन्होंने पूछा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसमें एक ही है विच इज 7, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, आपका आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी एक बात बता देता हूं, इसमें जो ये हो रहा है एक्स आई मीन्स है कोई भी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसकी जो ऑब्जर्वेशन है जिसका हमने मीन निकालना है, वो जो ऑब्जर्वेशन है अगर हम उन ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा डीएक्स निकल के आता है एक्चुअली वो बिल्कुल बीच की वैल्यू निकल के आती है, बिल्कुल बीच में। तो उसका जो सम होता है आधा उसके ऊपर होता है और आधा नीचे, तो ऊपर माइनस के नंबर होते हैं और नीचे प्लस के। ओके, तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो 2 3 4 5 6, अब इसमें हमारे लिए बीच का नंबर कितना है 4 है। अब मैं इस 4 को अगर 2 में से माइनस करूं, जैसे ये मेरा एक्स आई है, अब मैं ये मेरा मीन आ गया, अब मैं एक्स आई में से मीन माइनस करता हूं सपोज, तो क्या होगा, 2 में से 4 लेस करा -2, 3 में से 4 लेस करा -1, 4 में से 4 लेस करा 0, 5 में से 4 लेस करा +1, 6 में से आपने 4 लेस करा 2। अब मेरे पास अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी भी है, अगर मैं इसको इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो भी जो यहाँ पर ये आएगा ये भी इसी की तरह, जैसे सम 0 आ रहा है इसका सम भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जहां पर भी ऐसा केस आए जहां आपके ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर रखा है तो वहां पर द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। एक्चुअली इसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ना बोल के इसको हम सम ऑफ डेविएशंस बोलते हैं, जो हमारा 0 के इक्वल आता है। ठीक है, चलिए अब आगे और चलते हैं, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बट द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज हैं इस वाली हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के वो जीरोज ट्वाइस हैं, ट्वाइस हैं इस वाले के 4x² -5x -6 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि इसके जो जीरोज हैं इसके इसका ट्वाइस है, तो पहले हम इसके जीरोज का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, तो मैंने जीरोज मान लिए अल्फा और बीटा, तो वो आएगा -b/a, तो माइनस में -5/4 यानी कि 5/4।
अब मान लो जीरोज, मैंने मुझे पता लगा कि इसके जीरोज जो हैं, इसके जीरोज जो हैं, इसके ट्वाइस हैं, तो मैंने यही किया कि इसके जीरोज को इसका ट्वाइस कर दिया, तो जो इसके जीरोज हैं वो आएंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यही आएंगे। ये किसके जीरोज है? इस वाले के। अब इसका जो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होगा वो होगा -b/a, तो यहां पर b की जगह कितना है? -p, और a की जगह कितना है? कुछ नहीं, तो 1 है। ये आ गया। अब मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, -p की वैल्यू आ गई है। अब 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? 5/4, यहां मैंने पुट कर दी 5/4, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो p की वैल्यू आ गई -5/2। तो -5/2 हमारा इसका आंसर है, ये हमारा ए ऑप्शन में आ गया, ये हमारा -5/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम, अब वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 3 -5 एंड x -5 का जो डिस्टेंस है, तो हम पहले डिस्टेंस नंबर लगाते हैं, वो होगा हमारा अंडर रूट x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू 15। अब हम क्या करते हैं, x-3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये बन गया जीरो, तो खत्म हो गया। अब स्क्वायर, सॉरी, ये थोड़ा सा स्क्वायर ऊपर आएगा। अब ये इससे ये रूट कैंसिल हो गया, तो x-3 = 15, तो x = 18। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 18 आ गई। तो हमारा जो आंसर है वो 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात का हमने और ध्यान रखना है, जब भी आप यहां पर रूट कैंसिल करते हो, ठीक है, तो ये आंसर हमारा प्लस माइनस में आता है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये वैल्यू अगर मैं यहां पर देख लेते हैं, x-3 = +-15 के हमारा आंसर अगर आएगा, तो जब मैंने इसको +15 लिया था तो मेरा आंसर आया था 18, और जब मैंने इसको -15 लिया था तो हमारा आंसर आया था -12। तो एक हमारे पास जो इसके दो ऑप्शन हैं, फिर हम बी पर हम जो टिक करेंगे, -12 एंड 18। अगर ये सिंगल ऑप्शन में दिए होते तो हम इसको पुट कर देते, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने हमें डबल ऑप्शन में दिया तो हम उसकी वैल्यू डबल में फाइंड करेंगे। जब भी आप रूट यहाँ से कैंसिल करते हो तो राइट साइड में प्लस माइनस आता है आपके आंसर में। ये भी स्लाइड हमारी पूरी हुई, 11 क्वेश्चंस को हमने आपको क्लियर करके बता दिया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी है, इसको हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, cos α+β, cos के कॉलम में अल्फा प्लस बीटा जीरो है, इसका मतलब वो इक्वल है cos 90 के। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब हमें वैल्यू पूछी है इसके हाफ की, यानी हमसे वैल्यू पूछी है cos 45 डिग्री की, वो होती है 1/√2। आंसर 1/√2, दिस इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है अब हमारा ये। 13 नंबर क्वेश्चन में अ सॉलिड स्फेयर इज कट इनटू टू हेमिस्फेयर्स। एक सॉलिड स्फेयर को हमने टू हेमिस्फेयर्स में कट कर दिया, यानी एक हेमिस्फेयर ये रहा हमारा इधर की साइड में, और एक हेमिस्फेयर हमारा ये रहा ऐसे ऊपर की साइड में, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए। अब इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, दोनों की वैल्यू का रेशियो हमने निकालना है। तो अगर मैं आपको यहां बताऊं तो इसका जो सरफेस एरिया हमारे इस बड़े वाले मेन, इसका जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। सरफेस एरिया फुल हेमी, फुल आपका स्फेयर का जो सॉलिड स्फेयर है उसका होगा 4π r² r मतलब रेडियस, ठीक है, और जो दो टुकड़े करे तो सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमीस्फेयर, ईच हेमीस्फेयर, लेकिन जो ईच हेमीस्फेयर हमने लिया उसका वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया काउंट होगा। अभी है टोटल क्यों काउंट होगा, बिकॉज ऑफ कि ये एक सॉलिड था तो ऊपर से इसका ये जो कवर है ये भी क्लोज होगा, तो ये आएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फेयर विच इज 3π r². अब ऐसे ऐसे कितने हेमिस्फेयर हो गए, दो, तो ये तो हो गया आपका सरफेस एरिया होल वाला तो हो गया। अब इसको 2 कर देंगे, ईच की जगह यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर लिख देंगे, तो ये आ गया आपका 6π r². अब हमने रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमने, इन्होंने किसका पूछा है, पहले तो स्फेयर का और फिर दो हेमिस्फेयर का, तो स्फेयर का आ रहा है 4π r²
और हेमिस्फेयर का आ रहा है दोनों का मिला के 6 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 2:3। तो इसको अगर आप आपसे समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा स्लो करके मेरी वीडियो को आप फिर दोबारा से देख सकते हैं किस तरीके से आया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 2:3, विच इज सी। अब आते हैं द मिडिल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर, तो क्या किया जाएगा उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड अ मीडियन। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मीडियन इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने में हमें ये पता लग जाता है कि एक्चुअली में हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने बनाया एक क्यूब, है ना। अब क्यूब कैसा होता है, सॉलिड क्यूब, यू नो वेरी वेल, ये क्यूब है हमारा। ठीक है, अब इस क्यूब में क्या होगा, जो हमारा इसमें हमें निकालना है लार्जेस्ट कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो ये बात ध्यान देना कि इसमें जो इसका जो ये नीचे का बेस होगा, यानी कोन हमारा ऐसे होता है, अगर आपको पता हो तो, ये हमारा कोन था, तो जो कोन का बेस है उसका जो डायमीटर है वो इक्वल टू होगा इसकी एज के, यानी कि डायमीटर हो गया 2, यानी डायमीटर ऑफ कोन इज 2, तो रेडियस इज 1। उसके बाद